फ्रेंड्स, विष्णु मांचू की फिल्म आ रही है। फिल्म का नाम है कनपा। फिल्म को लेकर बीते कुछ वक्त से तगड़ा बस बना हुआ था, इसी बीच पिक्चर का टीजर आ गया है। फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत होती है केले के पत्ते पर रखे चावल से, जो किसी शख्स के हाथ में दिखाई दे रहे हैं। अगले ही फ्रेम में एक घने जंगल के बीचों बीच शिवलिंग रखा हुआ नजर आता है। तभी बैकग्राउंड से एक आवाज आती है, ओम नमः शिवाय। इसके बाद जंगल से शुरू होती है असली लड़ाई, जहां खूनी खेल खेला जा रहा है। यह बदले की लड़ाई है। फ्रेंड्स, 1 मिनट 39 सेकंड के इस वीडियो में ऐसे ऐसे शॉट्स हैं जिन्हें देखकर आपके कान से धुआं निकल जाएगा। फ्रेंड्स, इतनी कड़क सिनेमेटोग्राफी है जिसे देखकर मजा आ जाए। फ्रेंड्स, उस पर बैकग्राउंड म्यूजिक जो आपको 1.5 मिनट तक कुर्सी से चिपकने की गारंटी देता है। फ्रेंड्स, टीजर में एक सीन है जहां जंगल में पेड़ ही पेड़ हैं और पीछे से एक फौज घोड़ों के साथ युद्ध के लिए जाती नजर आती है। फ्रेंड्स, अगले ही सीन में भागते हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं जिसके शरीर के बीच में तीर आकर लगता है और हर तरफ खून ही खून हो जाता है। फ्रेंड्स, इससे ये स्टेबलिश होता है कि इस फिल्म की कहानी एक हरी भरी पहाड़ियों के बीच घटती है। असली कहानी शुरू होती है 38 सेकंड से, जब टेकना को मारने वाले रिनाडू की एंट्री होती है। हाथ में धनुष बाण, दोनों हाथों में तलवार और प्रहार ऐसा जिसे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। टीजर में ऐसा ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिलता है जिसके आगे सलार की फिल्मों का एक्शन भी छोटा लगेगा। फ्रेंड्स, इस फिल्म में अक्षय कुमार साउथ डेब्यू करने जा रहे हैं। 1.5 मिनट के टीजर से उनकी पहली झलक सामने आई। इसमें वो महादेव का किरदार निभा रही हैं। हालांकि अब तक पूरा लुक रिवील नहीं किया गया है, पर अक्षय कुमार का अवतार देखकर फैंस एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। फ्रेंड्स, वहीं फिल्म में प्रभास का कैमियो होने वाला है। पहले ही बताया गया था कि फिल्म में वो अलग अलग देवताओं के रोल में नजर आएंगे, ठीक वैसे ही हुआ है। अब उनका पहला लुक सामने आया। यूं तो पूरा चेहरा नहीं दिखाया गया है, पर प्रभास के फैंस फर्स्ट अवतार देख काफी खुश हैं। हालांकि फ्रेंड्स, आपका इस मूवी के बारे में क्या मानना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।